स्टूडेंट्स वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ जो है हास्य बाल कवि सम्मेलन के प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो उच्चारणम कुरुत है ये हमने कर दिया था आपको। ये जो उच्चारण कुरुत वाला जो क्वेश्चन है ये नोटबुक में नहीं करना है, कुछ बच्चे नोटबुक में कर देते हैं, ये इनका उच्चारण करना है, उनको याद रखना है बस, ठीक है। जो जिसकी बुक में जगह होती है ना आप उन क्वेश्चंस को भी बुक में कर सकते हो, इमेज वाले जैसे, उनको नोटबुक में नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषात है अव्यपदानी चित्वा वाक्यानी पूर्यत। अव्यपद क्या होते हैं बच्चों? जो लिंग काल क्रिया किसी भी हालात में वो बदलते नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई है वह लड़के के लिए है तो वह पढ़ता है ना, और वह पढ़ती है, तो उसमें क्रिया बदली ना, बदली ना। लेकिन अव्यय शब्द होते हैं ये, इनकी वजह से ना तो क्रिया बदलती है ना और कुछ बदलता है, ये वैसे के वैसे वाक्य में यूज होते हैं अव्यय शब्द, ठीक है। तो यदा कदा है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं अत्र तत्र यत्र अलम अंतः बही शनई शनई है ना, ऐसे कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो आपके बहुत बार वाक्य में आते, अधुना अधे कश्मीन कश्चित, ऐसे ये जो शब्द होते हैं ना किंचित, ये सब अव्यय शब्द होते हैं। तो आपका ये मंजूषा है अलम अंतः बही अधः ऊपरी, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है। तो इनको आपको वाक्य में इनमें रिक्त स्थान में भरना है। वृक्षस्य खगाः वसन्ति, तो वृक्ष के नीचे खग होते हैं या वृक्ष के ऊपर होते हैं, तो ऊपर होते हैं ना, तो वृक्षस्य ऊपरी खगा वसन्ति, ठीक है। फिर है विवादेन, तो विवादेन यानी विवाद मत करो, ऐसा यहाँ आना चाहिए। तो अलम विवादेन क्या आएगा ख में? अलम फिर है विवादेन। नेक्स्ट है बच्चों, वर्षा काले गृहात मा गच्छ, यानी बारिश जब हो रही होती है बाहर तो आपकी मम्मी पापा भैया कहते होंगे ना कि बारिश आ रही है बाहर मत जाना, वर्षा हो रही है बाहर नहीं जाना, आपको बाहर नहीं निकलना है, बाहर मत जाओ। तो इसमें भी क्या आएगा? वर्षा काले गृहात, मा का मतलब होता है नहीं, गच्छ यानी जाओ, तो इनसे समझ में आता है कि बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है। तो वर्षा काले गृहात बही यानी बाहर, माँ गच्छ बाहर मत जाओ। फिर है मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, अब मंच के नीचे श्रोता जन थे या मंच के ऊपर थे? मंच के नीचे ही बैठे थे ना सुनने वाले, मंच पे तो कौन थे? चतवार बालक थे, ठीक है। तो मंचस्य अधः यानी नीचे, अधः का मतलब नीचे, अधः श्रोतार उपविष्टा सन्ति, ठीक है। फिर है छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर को क्या बोलोगे? अंतः, बाहर को बही। तो छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, आई थिंक समझ में आ गए होंगे जो सबके मैंने अर्थ बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अशुद्ध पदम चिनुत, इनमें धातु ये क्रियाएं दे रखी है, क्रियाओं का जो भी इनमें है क्रियाएं द्विवचन रूप शब्दों का वो सब दे रखा, तो जो अशुद्ध पद है उनको हमें निकालना है, चुनना है। तो गमंती यछंती प्रचंती धावंती, तो देखिए यछंती प्रचंती धावंती ये तीनों सही है, और गम धातु से बनता है गच्छंती, तो इसमें गमंती कुछ नहीं होता, तो अशुद्ध पद क्या हो गया? गमंती। तो जिसमें आगे जगह है वहाँ लिखोगे आप गमंती। फिर ये पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति दे रखी है, देखो रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो रामेण सही है, गृहेण सही है, सर्पेण सही है। इनमें र और श के योग में हमेशा अणय आता है ना, र और श का नियम, और गजेण नहीं होता है, गजेण होता है ना, तो इसमें अशुद्ध क्या है? गजेण, ठीक है। अब है लतैया, तृतीय विभक्ति है ये, देखिए मातया रमैया निशैया, तो इसमें क्या रोंग है? लतैया रमैया निशैया सही है, मातया गलत है, ठीक है।
और लते रमे माते प्रिय, तो इसमें भी क्या गलत है, माते, ठीक है। इसमें देखो दिव्य वचन के रूप दे रखे हैं, लते रमे प्रिय, है ना, तो ये मात्रा हुआ था इसमें दिव्य वचन का रूप, तो माते गलत है। लिखती गर्जती फलती और सेवती, तो लिखती गर्जती फलती तीनों सही है। सेवती के रूप, सेव धातु के, सेवते सेवते सेवेते सेवन्ते इस प्रकार चलते हैं, तो सेवती नहीं होता है, ये रोंग है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सेवती। नेक्स्ट है मंजूषा आता है, समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। समानार्थक पद जानते हो, जब एक ही किसी शब्द के दूसरा उसमें एक ही किसी कोई शब्द होता है, उसका कोई नेक्स्ट और उसका उसके जैसा अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके समान अर्थ वाला जो होता है उसको बोलते हैं समानार्थक शब्द। तो प्राप्य यानी प्राप्त होना, प्राप्त करना, तो उसका समानार्थक शब्द क्या होगा, लब्धवा, ठीक है। फिर कुशला, किसी चीज़ में कुशल है, दक्ष है, तो इसका समानार्थक शब्द दक्षा। हर्षस्य यानी प्रसन्न है, तो उसका समानार्थक शब्द क्या होगा, प्रसन्नताया। देह से यानी शरीर, तो देह से का समान अर्थ वाला शरीरस्य। वैद्यम डॉक्टर होते हैं ना, तो वैद्यम का समानार्थक शब्द इसमें से चिकित्सम, ठीक है। इतने आप कीजिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट के 5 और 6 वाला ये एक आप हमें ये कहानी फिल करनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।